सभी सनातनी हिंदू एक एकता के साथ जीवन को जिए, जो सत्ता में होता है उसके ऊपर ही उंगली उठाई जाती है। कुत्ता भौंके तो हाथी अपनी चाल नहीं बदलता है। इस देश को ऐसे ही नित नई ऊंचाइयों पर वो लेते जाएं, काशी और मथुरा बाकी है, वो और चुक जाएं। बागेश्वर धाम के पीछाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचते ही लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु सड़कों पर उतर आए। उनके वहां पहुंचते ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। इसी कड़ी में पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम सभी सनातनी हिंदू एकता के साथ इस जीवन को जिए, ताकि आने वाले विरोधी ताकतों से हम लड़ सकें। और क्या कुछ कहा सुनिए। आज जो है हम श्री रामलला सरकार की भूमि अयोध्या में सब संतों के दर्शन करने आए हैं। मणि राम की छावनी में श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हम सब संतों के श्रमोर परम पूज्य महाराज श्री जी का आज प्रकटोत्सव है। पूज्य महाराज श्री जी का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए तो अभी रामलला सदन में परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस यही कहना है कि हम सभी सनातनीय हिंदू एकता के साथ जीवन को जिए, ताकि कालांतर में आने वाली धर्म विरोधी ताकतों से हम सब लड़ सकें और उनको जो है नाकों चने चबवा सकें। महाराज जी सनातन धर्म को टारगेट करके कमेंट किया जाता है। देखो भाई, जो सत्ता में होता है उसके ऊपर ही उंगली उठाई जाती है। तो सनातन धर्म वर्तमान में समूचे विश्व में आदि से लेकर अंत तक हमेशा सत्ता में रहना है, ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये पूरे विश्व की आचार्य संहिता है। सनातन धर्म कोई एक विशेष वर्ग नहीं है, इस विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है। तो निश्चित रूप से जो अमानवीय कृत्य वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से उंगली उठाएंगे, कमेंट करेंगे और तरह तरह की बातें बोलेंगे। तो देखो भाई, कुत्ता भौंके तो हाथी अपनी चाल नहीं बदलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कितना अद्भुत है। पहली बार कोई आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री, यह सौभाग्य है, बहुत अच्छा, हमने अपनी आंखों से देखा है, भगवान की बड़ी महती कृपा है। राजनीति पर हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, शब्द नहीं हैं, बाकी भगवान की बड़ी महती कृपा और प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हम उनको खूब खूब साधुवाद दे रहे हैं। रामलला सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस देश को ऐसे ही नित नई ऊँचाइयों पर वो लेते जाएँ, काशी और मथुरा बाकी है, वो और चुक जाए। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देखें? साधु भाव से हमारी दृष्टि में तो खूब अच्छे हैं, और क्या कह देवें, हम तो साधु भाव से देखते हैं, प्रायः हमारी दृष्टि में खूब अच्छे हैं।